एशियन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं गणेश अग्रवाल और आप देख रहे हैं दमोह जिले की खबरें। दमोह जिला मुख्यालय पर जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यालय में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता में यात्री गाड़ियों को बंद किए जाने के संबंध में कांग्रेस जनों के द्वारा अपनी बात कही गई। इस दौरान जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रतनचंद जैन, पूर्व विधायक अजय टंडन एवं कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी तरवर सिंह के साथ अनेक कांग्रेसजन मौजूद रहे। क्या है पूरा मामला आपको सुनाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एसीएन न्यूज। रेलवे मंत्रालय के अधिकारियों को हम लोग ये मैसेज देना चाहते हैं, उसे निवेदन भी करना चाहते हैं कि हमारे दमोह क्षेत्र अंतर्गत जो कुंडलपुर जो कि दिगंबर जैन तीर्थ स्थल है, वहाँ पर 16 तारीख में बहुत बड़ा एक महामहोत्सव होने जा रहा है, जिसमें समय सागर जी महाराज को आचार्य जी का पद ग्रहण होना है। और इस महामहोत्सव में पूरे भारत वर्ष से लाखों की संख्या में धर्म पंथों का, श्रद्धालुओं का, सभी वर्गों के लोगों का आना है। और अभी जो रेलवे मंत्रालय ने एक मैसेज किया है, जो कि हमारे गणेशगंज के यहाँ इंटरलॉकिंग और बीना के पास रेलवे लाइन का मेंटेनेंस को लेकर 15, 16, 17 में आ गया है, तो हमारा विशेष करके ये आग्रह है रेलवे मंत्रालय के अधिकारियों से, निवेदन है कि ये जो कार्यक्रम होने जा रहा है, इसमें जो आ रहे धार्मिक श्रद्धालु हैं उनके आने जाने में कोई व्यवधान ना हो, और इन ट्रेनों को 26 अप्रैल के बाद जो भी रेलवे लाइन का मेंटेनेंस होना है, इंटरलॉकिंग भी होना, उसके बाद करें और 15, 16, 17 में इन ट्रेनों को ना रोका जाए, ताकि ये कार्यक्रम तरीके से हो सके। जैसा कि जानकारी मिली कि देखिए अभी जो पेपर में भी आया है, जिसमें 8 ट्रेनों का बंद होने का मैसेज आया है, क्योंकि ये बहुत बड़ा आयोजन है जिसमें लाखों पूरे देश से धार्मिक श्रद्धालुओं का आना है और हर एक वर्ग की, तो इसमें तो हमारा यही निवेदन था कि जो ट्रेनें चल रही हैं, क्योंकि अगर हम पूर्व की बात करें तो कोरोना काल में कुछ ट्रेनों को बंद किया गया था, क्योंकि आज तक चालू नहीं किया गया, जितनी ट्रेनें अभी चल रही हैं वो यथावत चलती रहें, ताकि इस कार्यक्रम में आने वाले धार्मिक श्रद्धालुओं को कोई व्यवधान ना हो। जैसा कि आपको विदित है कि 16 अप्रैल को कुंडलपुर में आचार्य पद का पदारोहण होना है। परसों जैसे ही हमने समाचार देखा व्हाट्सएप में कि इंटरलॉकिंग के कारण इतनी 15 ट्रेनें निरस्त की जाती हैं, हमने तत्काल कल एक प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से शासन को, केंद्रीय गवर्नमेंट को और मध्य प्रदेश गवर्नमेंट को चेताया और पत्रकारों के माध्यम से एक प्रेस नोट जारी किया, और उसमें हमने ये कहा कि ट्रेन बंद नहीं होना चाहिए। तत्काल स्टेशन मास्टर ने, जब हमने ज्ञापन देने की आज की बात की, स्टेशन मास्टर को हमने फोन लगाया, स्टेशन मास्टर से कहा कि जिला कांग्रेस एक आंदोलन छेड़ने जा रही है, उनने तत्काल जिला कांग्रेस के दबाव में और 3-4 लोकल ट्रेनें चालू की हैं, जिससे काम बनने वाला नहीं है, क्योंकि लाखों की तादाद में श्रद्धालु आना है, 3 से 5 लाख लोगों का जुड़ाव है, और ये कांग्रेस के दबाव में इनने 4 ट्रेनें चालू की हैं। आज हम पुनः फिर आप लोगों के माध्यम से ज्ञापन दे रहे हैं और आपके सहयोग से कि पूरी ट्रेनें चालू की जाएं, ताकि श्रद्धालुओं को और आम जनता को आने जाने में कोई परेशानी ना हो, और भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार की धर्म का लवादा ओढ़ के राजनीति कर रही है, उस राजनीति को उजागर होना चाहिए कि जब इतना बड़ा आयोजन, जिसको सर्व समाज सब विद्यासागर जी को मानती थी और उनका आचार्य पदरोहण हमारे महाराज और निर्णायक मुनि
समय सागर को सौंपा जाना है तो पूरे देश की जैन समाज आएगी और सर्व समाज आएगी। और ये इंटरलॉकिंग करना गलत बात है और इसके बाद खुला आरोप लगा रहा हूँ कि उसमें भारतीय जनता पार्टी की साजिश है और भारतीय जनता पार्टी इंटरलॉकिंग चाहती तो 26 के बाद भी करा सकती थी। इस बात का हम लोग विरोध करते हैं और अभी एक ज्ञापन स्टेशन मास्टर को देने जा रहे हैं। और जो स्टेशन मास्टर जी चार्ट प्रणों की बात कर रहे हैं वो जिला कांग्रेस के जो कल प्रेस नोट जारी हुआ ज्ञापन की बात, उस दबाव में ट्रेनें चालू की गई है। धन्यवाद, जय हिंद।